नमस्कार, मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सफर में मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा दिल्ली लिंक रोड पर 100 डायल वाहन ने एक मोपेड में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोपेड सवार की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने जहां जाम लगाया, वहीं एक ट्रक को जलाने का भी प्रयास किया। मथुरा दिल्ली आगरा लिंक रोड पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब 100 डायल की गाड़ी नंबर 1919 ने एक मोपेड सवार में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मोपेड सवार रोड किनारे बने गहरे नाले में जा गिरा और गिरते ही उसे गंभीर चोट आ गई, जिसे इलाज के लिए पास के ही एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज के कुछ देर बाद ही घायल मोपेड सवार ने हॉस्पिटल में ही उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मोपेड सवार हरिशंकर वाश ने पास की ही एक कॉलोनी के निवासी थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट की सूचना परिजनों और स्थानीय लोगों को लगी तो वो पुराना हाईवे की तरफ दौड़ लिए और हाईवे पर एक कंटेनर को आड़े खड़ा कर रोड को जाम कर पुलिस के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर नारे लगे। इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने एक ट्रक में आग लगा दी, मगर समय रहते मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। बाद में मौके पर पहुंचे सीओ सिटी राकेश वशिष्ठ ने बताया कि एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। आरोप पुलिस पर है, घटना की जाँच की जाएगी। अगर पुलिसकर्मी दोषी होंगे तो कार्यवाही की जाएगी, मगर सवाल ये है कि क्या पुलिस के आला अधिकारी अपने ही विभाग के दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही कर पाएंगे। फिलहाल पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। इस घटना के संदर्भ में सीओ सिटी और प्रत्यक्षदर्शी और मृतक के बेटे ने जानकारी दी। सामने हम भागे लोग भागे हुए आए हैं सर, तो यहाँ पे हमारे टायर की गाड़ी दो पुलिस वाले खड़े हुए थे और नाले पड़े हुए मेरे पिताजी की वीडियो बना रहे हैं। मैंने उनसे बोला सर आपने निकाले क्यों नहीं, कि हम नहीं निकाल देंगे, हमारी ड्यूटी नहीं है। हाँ जी, आपने पुलिस बीच में कॉलोनी में से होकर के तेजी से गई है, उन्होंने ही टक्कर मारी है। हमको ये एक व्यक्ति है जो राधेश्याम नगर का रहने वाला है और इसका किसी गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है और जो संभवत है पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो ये जांच का विषय है और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उपाध्याय, क्या हुआ पता जी? यहाँ पे ऐसा हुआ था, हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, घूमने के लिए आ रहे थे तो यहाँ पर हमने हमारा एक भाई एक हम भी एक भाई को छोड़ने आया था यहाँ पे, तो उसने देखा कि यहाँ पे वो त्रिलोकी सेठ जी हैं और उन वो नाले में पड़े हुए हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि भैया तुम जल्दी आओ यहाँ पर, तो हम आए, एक इनोवा गाड़ी पुलिस की जो 100 नंबर है वो यहाँ पर खड़ी थी और वो अपने मोबाइलों से वीडियो बना रही थी और हमने ना तो उनकी मदद नहीं कर रही थी। उसका एक लड़का था उनके साथ में, बिक्की पड़ी थी उसकी नीचे, उसका बाप पड़ा था और अकेला लड़का उनका, उनको निकालना था। जैसे हम आए हमने कहा था मदद करो, वो नहीं उतरे, मदद के लिए वीडियो बनाते रहे। गाड़ी का नंबर नहीं लिया, हम तो उसमें लग गए। 100 नंबर गाड़ी थी और नंबर नहीं लिया हमने, उसको देख रहे थे नंबर ले में उठाने के लिए। मेरे पिताजी हो है, नहीं देख पाया अपने पिताजी को, चाहूंगा मैं गाड़ी नंबर देखूंगा। नंबर वाली गलती पुलिस वालों की है, UP 100, ठीक है, साफ कह रहा हूँ क्लियर। और UP 100 वाले मेरे बंदा मिल जाए, मैं जितना जो होगा मैं वो करने तैयार हूँ, क्लियर। इनोवा गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी का नंबर चाहिए, गाड़ी नंबर निकलवा भी दूंगा। जिस तरह से स्पीड से भगे ना गाड़ी, उस हिसाब से भगी है गाड़ी बाकायदा है ना। अमित सीसीटीवी फुटेज ले सकते हो, चलो